आज से ठीक 10 साल पहले रेलवे में सेफ्टी को कभी इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं गई थी, लेकिन आज पिक्चर कुछ ज्यादा ही अलग है। ICF को पूरी तरह से खत्म करने की कगार पर भारतीय रेलवे आ चुकी है। LHB का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है और अब 500 वंदे भारत में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करने पर बात कही जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने अपनी भारतीय कंपनीज और साथ ही में रशियन कंपनी जो वंदे भारत बनाने वाली है, उन्हें साफ साफ कहा है कि आप इंटीरियर्स में जो भी चीज डालने वाले हैं उसमें मेक श्योर कि आप एंटी इंजरी फिटिंग ही करें। इस एंटी इंजरी फिटिंग का बेसिकली अर्थ है कोई भी शार्प कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए ताकि पैसेंजर्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। डोर से लेके हैंडल्स, विंडो पैनल्स, इनफैक्ट जब आप सीढ़ी यूज करते हो ऊपर की बर्थ रीच करने के लिए, उनमें भी सारे सॉफ्ट एजेस ही डाले जाएंगे। अगले साल ICF का टारगेट है कि हम 500 से 550 वंदे भारत ट्रेन नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेंगे और इस साल 75 वंदे भारत का टारगेट है। इनमें से 63 होंगी 8 कार वर्जन की और 12 होंगी 16 कार वर्जन की हमारी नॉर्मल वंदे भारत। वंदे भारत के साथ साथ यहाँ पर 750 EMU टाइप कोचेस भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और 100 स्पेशल कोचेस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इनमें से कई तमाम हमें ऑर्डर्स भी मिले हैं मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका के मार्केट से। इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स जहां लाइटिंग्स, बर्थ, कलर कॉम्बिनेशन, इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जब भी अंदर जाओ वंदे भारत स्लीपर के, आपको एक 5 स्टार की फीलिंग आए। और साथ ही में अब सॉफ्ट एजेस और एंटी इंजरी फिटिंग्स के साथ ये डेफिनेटली किसी भी यूरोपियन ट्रेन्स को आराम से टक्कर दे सकती है। अगर आप मेरी ये बात से एग्री करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी जय वंदे भारत लिखना ना भूलिएगा।